मौका तो था आजादी के 70वें साल के मौके पर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाभरा यानी चंद्रशेखर आजाद नगर में श्रद्धांजलि देने का, लेकिन प्रधानमंत्री ने चर्चा की कश्मीर की। कश्मीर में चल रही हिंसा के लिए उन्होंने अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। आज भी हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल कश्मीर के विषय में एक स्वर से बोल रहे हैं, एक ही दिशा में जाने पर संकल्प बन रहा है और यही हिंदुस्तान की ताकत है, यही हिंदुस्तान का सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कश्मीर शांति का। मोदी सरकार आजादी का जश्न जरा याद करो कुर्बानी के रूप में मना रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ना सिर्फ कश्मीर का विकास करना है बल्कि उसे नई बुलंदियों पर ले जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था इंसानियत कश्मीरियत और जमहूरियत का, उसी मार्ग पर चलने वाले हम लोग हैं। जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया वो इलाका गुजरात की सीमा से सटा है। यहाँ पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आजाद के सम्मान में भाभरा का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।